सुना था कि लवासा को घोस्ट सिटी कहा जाता है और ये बहुत सुनसान सी जगह थी जहाँ हम रुके हुए थे, और इसे और भी 5 मिनट तक थोड़ा सा उबलने दिया। खाना भी यहीं पर बनाते थे, बहुत मज़ा आ रहा था, कहीं बाहर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। यहाँ पर ये थी हमारी तीसरी नाइट, और चौथे दिन सुबह हम निकल गए दूसरी जगह पर, और बस कुछ ही देर में हमारा डेस्टिनेशन आने वाला था। वो देखते बीच में ही खड़े रह गए रास्ते में। सो गाइज, गाड़ी के दोनों तरफ कुदरत को निहारते निहारते हम जा रहे थे। इतना सुंदर सा जो लवासा सिटी है, आज इसकी जो गलियां हैं इतनी शांत और इतनी सुमसान से क्यों हो चुकी है? क्या हुआ था जो ये इसकी कंडीशन आज ऐसी है कि लोग इसे एक घोस्ट सिटी के नाम से पहचानते हैं? बट ऐसा कुछ है नहीं गाइस। जो प्रोजेक्ट यहाँ पर शुरू हुआ था इसे डेवलप करने के लिए, उस प्रोजेक्ट के मुताबिक जो कंडीशंस और टर्म्स साइन हुए थे, फिक्स हुए थे, उसके अकॉर्डिंग एक भी कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो पाई है। जो भी विलाज और अपार्टमेंट्स आपने मेरी वीडियोस में देखे, वो सारे सिर्फ 2 या 3 मंजिला तक बांधने की परमिशन मिली थी, लेकिन बांधे गए 5 या 6 मंजिला तक। लवासा प्रोजेक्ट के फेल्यूअर्स के और भी कई सारे रीजंस थे जो मैंने मेरी चैनल पर लवासा पार्ट 2 वीडियो में डिटेल में बताए हैं। देखिए गाइस, हम पहुंच चुके हैं इस सुंदर से रिसोर्ट में। गाड़ी से उतरकर सबसे पहले मैंने निकाला मेरा कैमरा और शुरू हो गई ये कुदरत के जो नज़ारे हैं मेरे कैमरे में कैच करने में लग गई मैं। लवासा सिटी के बाहर की तरफ ये वाला एक छोटा सा गांव है, यहाँ पर ये वाला रिसोर्ट बना हुआ है। डिटेल्स में आगे बताऊंगी। जो हमने प्रॉपर लवासा सिटी में पोर्टोफिनो स्ट्रीट पर अपार्टमेंट बुक किया था, वहाँ से जो नज़ारा था, ये वाला नज़ारा तो उससे भी ज़्यादा सुंदर था। तो मतलब तो देखती ही रह गई मैं तो, इतना सुंदर नज़ारा मैंने, और एग्जैक्टली इस नज़ारे के सामने हमारा जो हमने बुक करवाया था वो रूम है। जब मुझे ये बताया गया तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। देखिए कितना सुंदर है ये एटमॉस्फेयर यहाँ का, और ये नज़ारा देखिए गाइस। और ऊपर से इसमें 4 चांद इसलिए लग रहे हैं कि बारिश का मौसम था, थोड़ा सा क्लाउडी सा वेदर था, और एकदम ठंडा सा मौसम हो गया था यहाँ पर, एकदम कूल सा फीलिंग आ रहा था। और देखिए इस तरफ रिसेप्शन है इनका, रिसेप्शन पर कुछ ज़रूरी फॉर्मेलिटीज़ हमने कम्प्लीट की, और उसके बाद हमें दी गई हमारे रूम की चाबी। इस रिसोर्ट में रूम पर हमें कोई यूटेंसिल्स या कोई गेस्ट रो वगैरह प्रोवाइड नहीं किया गया था। रिसेप्शन पर हमें पूछने पर बताया गया कि यहाँ पर बगल में इनका किचन है, जहाँ पर हम जो ऑर्डर देंगे ये खाना बनवा के देते हैं, और यहीं पर हमें बैठकर खाना खाना होता है, या तो फिर हम रूम पर भी मंगवा सकते हैं। तो रिसेप्शन के बाहर के साइड यानी कि एग्जैक्टली इस तालाब के सामने हमारा रूम था। सर्विस अच्छी थी गाइज यहाँ पर, मतलब जो भी हम कुछ मंगवाते थे तो ये अवेलेबल करवा देते थे हमें। जैसे कि रूम पर वाईफाई नहीं था तो इन्होंने वाईफाई का एक डोंगल हमें प्रोवाइड किया था, लेकिन दिक्कत तो ये थी कि यहाँ पर कोई भी नेटवर्क इफ़ेक्टिव नहीं था, मतलब बहुत स्लो और वीक सा नेटवर्क था यहाँ पर। एयरटेल और जियो का जो नेटवर्क है यहाँ पर बहुत ही कम आ रहा था, 2G से भी कम। तो ना इंटरनेट चल रहा था, ना ही हम किसी को कॉल लगा पा रहे थे। तो रिसोर्ट से थोड़ा दूर जाने के बाद कॉल किसी को लगता था, लेकिन वो भी प्रॉपरली हम कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। एक तरह से देखा जाए तो यही अच्छा था, क्योंकि घर पर भी हम पूरा दिन इंटरनेट चलाते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं मोबाइल में या लैपटॉप में या पीसी में, तो फिर घर पर और यहाँ पर क्या फ़र्क, फिर हम घर पर ही रहे ना, इससे तो बेटर। अच्छा गाइस, इस तरफ इन्होंने हमें 2 रूम दिखाई थी, और उसमें से ये जो लेफ़्ट वाली रूम थी हमें थोड़ी सी कम पसंद आई, तो हमने राइट साइड पर जो रूम है वो वाली हमने चूज़ की। और रूम के इस तरफ देखिए यहाँ पर गार्डन है बहुत सुंदर सा, और सामने का व्यू तो आप देख ही रहे हो, देखिए कितना ऑसम सा व्यू है यहाँ पर। और भी कुछ रिसॉर्ट्स हैं यहाँ पर इस तरह के, और यहाँ पर प्री वेडिंग शूट्स के लिए भी लोग आते हैं स्पेशली, ये मैंने सुना है। रूम का स्टेइंग का जो एक दिन का यहाँ पर रेट है वो है 3,500, और डाइनिंग के जो रेट्स है वो लगभग पंजाबी सब्जियों के थोड़े से ज़्यादा है। नॉर्मली तो हर जगह वैसा रहता ही है, और अगर हम थाली लेते हैं तो थाली में एक पंजाबी सब्ज़ी वो लोग देते ही है,
जैसे कि लंच और डिनर की थाली अगर हम मंगवाते हैं तो एक पंजाबी सब्जी तो उसमें रहती ही है वैसे भी, और अगर स्पेशली हम कुछ पंजाबी फूड मंगवाएं तो कंपेरेटिवली थोड़े से रेट्स उसके ज़्यादा रहते हैं। सो गाइस, जिस दिन हम पहुँचे उस दिन लंच में हमने दो थाली और एक ये पनीर की ग्रेवी वाली सब्ज़ी और जीरा राइस हमने अलग से मंगवाया था। लंच की थाली जो हमने मंगवाई उसमें थी रोटी और दाल, राइस और सैलेड था, चटनी थी जैसे कि आप देख रहे हो, एक आलू की सब्ज़ी और एक पंजाबी सब्ज़ी इसमें रहती है। बहुत टेस्टी खाना था और यहाँ की सर्विस भी बहुत अच्छी है, जो भी हम मंगवाते थे रूम पर वो लोग लाकर देते थे, हमें कभी बाहर नहीं जाना पड़ा खाना खाने के लिए। लंच के बाद जब हम बाहर निकले टहलने के लिए तो बाहर जैसे ही निकले ये माँ वहाँ पर बैठी हुई थी। थोड़ी देर यहाँ पर टहलने के बाद कुछ नज़ारे मैंने शूट किए और उसके बाद इस माँ को हमने खाना खिलाया कैंटीन से, जो यहाँ पर किचन है उनके पास से थोड़ा सा दूध हमने मांगा और इसे पिलाया। ये माँ मेरे पीछे पीछे ही थी जब से हमें देखा, जिस दिन हम पहुँचे तब से लेकर जो हम दो नाइट्स यहाँ पर रुके मेरे पीछे पीछे ही रहती थी ये। जैसे ही घर के रूम के बाहर मैं निकलूँ तो ये माँ वहाँ पर आके बैठ जाती थी, तो थोड़ा सा फनी सा लग रहा था मुझे। और बिज़नेस और काम के रिलेटेड कुछ अपडेट्स देने या लेने के लिए हम ट्राई कर रहे थे किसी को कॉल करके पूछ लें या बताएं कुछ, लेकिन कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। सो गाइज़, यहाँ पर दूर दूर तक आसपास में तो कुछ इतना खास घूमने लायक नहीं था, और वैसे भी हम जहाँ पर रुके हैं अगर वहीं पर इतना सुंदर नज़ारा है तो हम और कहीं क्यों जाएं। और कहीं जाने का मन ही नहीं किया, यहाँ पर सराउंडिंग था, नज़ारे थे, वो देखकर बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमने, बहुत शांति और सुकून था यहाँ पर। शहर के भागदौड़ वाले जीवन में ऐसा सुकून हमें कभी फील नहीं होता, पर जिस तरह से ये बिल्ली हमारे पीछे पड़ी हुई थी ना, थोड़ा सा डर भी लग रहा था, क्योंकि सुना था कि लवासा को घोस्ट सिटी कहा जाता है और ये बहुत सुनसान सी जगह थी जहाँ हम रुके हुए थे। देखिए, मैं रूम के बाहर गई, वहाँ पर गार्डन में थोड़ी देर घूम रही थी तो मेरे पीछे आई, जब मैं रूम पर वापस आई तो वापस मेरे पीछे पीछे आ गई है। खाना वाना खा के कहीं पर बाहर टहलने निकले वहाँ भी पीछे पीछे आने लगती थी, मतलब कहीं अकेला ही नहीं छोड़ रही थी, पता नहीं ये ऐसा क्यों कर रही थी, अजीब से ख्याल आते थे मन में। तो पहले दिन यहाँ पर अच्छा तो लग रहा था लेकिन मन में एक डर भी था। दूसरे दिन मैं रिलैक्स हो गई, बाकी यहाँ पर हमने हमारा टाइम कैसे स्पेंड किया, कैसे एंजॉय किया, सब कुछ मैं शेयर करूंगी आने वाले मेरे फूड वेब कुक एंड ट्रैवल के व्लॉग में, बने रहना। जल्द ही फिर मिलेंगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।